फिश किया। इस तरह फिश नंबर टू का जो है ना दूसरा पॉइंट, इसको कनेक्ट करते हैं सॉकेट नंबर टू के दूसरे पॉइंट के साथ। जस्ट स्विच नंबर टू का कनेक्शन करते हैं। अब इसको आगे लेके जा रहे हैं स्विच नंबर टू की तरफ। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड। इस बोर्ड में हम थ्री सॉकेट को थ्री वन स्विच के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। टू कंट्रोल थ्री सॉकेट इंडिविजुअली बाय थ्री वन स्विचेस, ये हमारे पास स्विचेस है स्विच नंबर वन टू थ्री। ये थ्री वन स्विचेस है, ये सॉकेट का सिंबल है सॉकेट वन टू थ्री। अब हम इसका कनेक्शन करने जा रहे हैं। ये हमारे पास 220 एसी वोल्टेज का सप्लाई है, ये इसका न्यूट्रल है और ये फेज है। हम पहले न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। ये रहा न्यूट्रल का कनेक्शन, ये न्यूट्रल की वायर है। हम इसको सॉकेट नंबर वन, सॉकेट नंबर टू और सॉकेट नंबर थ्री को दे रहे हैं। ये न्यूट्रल की वायर जो है, ये हमने सॉकेट नंबर वन का कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब इसको मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं सॉकेट नंबर टू की तरफ, ये भी हो गया है। और अब सॉकेट नंबर थ्री का नंबर है, यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ये न्यूट्रल का कनेक्शन कम्प्लीट हो गया तीनों सॉकेट में। ये फेज वायर है, फेज हम स्विच नंबर वन, स्विच नंबर टू एंड स्विच नंबर थ्री को दे रहे हैं। ये फेज का कनेक्शन है, ये स्विच नंबर वन में हो गया है, ये स्विच नंबर टू में भी हो गया है और अब स्विच नंबर थ्री में भी हो गया है ये कनेक्शन। हमारे डायग्राम में न्यूट्रल का कनेक्शन भी हो गया है और फेज का कनेक्शन भी हो गया है। अब रह गया है हाफ का कनेक्शन। हाफ का कनेक्शन जिस तरह हम स्विच और लैंप का कनेक्शन करते हैं, इस तरह हम स्विच नंबर वन में जो दूसरा पॉइंट है इसको कनेक्ट करते हैं सॉकेट नंबर वन के दूसरे पॉइंट के साथ। ये हो गया, इस तरह स्विच नंबर टू का जो है ना दूसरा पॉइंट, इसको कनेक्ट करते हैं सॉकेट नंबर टू के दूसरे पॉइंट के साथ। इसी तरह स्विच नंबर थ्री का जो दूसरा पॉइंट है, इसको कनेक्ट करते हैं सॉकेट नंबर थ्री के साथ। यहाँ पे हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो भी मसला हो, जो भी मसला हो आप लोगों को, वो हमें कमेंट में बताएं। आए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। चलो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। इस बोर्ड में हम थ्री सॉकेट और थ्री स्विचेस लगाते हैं। जिस तरह डायग्राम हमने बनाया है, इसी तरह हम इंशाल्लाह एक्सटेंशन बोर्ड भी बनाएंगे। जिस तरह हमने डायग्राम बनाया था, बोर्ड भी वैसे ही बनाया हमने। अब इसका कनेक्शन करते हैं। इसको हम उल्टा कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए सॉकेट नंबर वन, सॉकेट नंबर टू और ये सॉकेट नंबर थ्री, स्विच नंबर वन, स्विच नंबर टू और स्विच नंबर थ्री। ये न्यूट्रल वायर है, हम इसको सॉकेट नंबर वन की तरफ ले जाते हैं और इससे आगे एक और वायर इसमें कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सॉकेट नंबर दो में भी न्यूट्रल वायर को ले जाना है। ये कनेक्शन सॉकेट नंबर वन का हो गया है। अब ये सॉकेट नंबर दो
इसका कनेक्शन करता है। साकेट नंबर 2 का कनेक्शन हो गया है, अब साकेट नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जिस तरह डायग्राम में है उसी तरह हमने कनेक्शन किया है इन तीनों साकेट में न्यूट्रल वायर की, अब पेज वायर की तरफ आते हैं। जिस तरह न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया है सेम इसी तरह हम पेज का कनेक्शन करते हैं। स्विच नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। फेस का कनेक्शन हो गया है, अब इसको आगे लेके जा रहे हैं स्विच नंबर 2 की तरफ। अब स्विच नंबर 3 में कनेक्शन फेज का ख़त्म हो गया है, इट्स मीन फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन हो गया है इस बोर्ड में। आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम डायग्राम की तरह। अब इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है, फिर इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है, फिर इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। चलो इसका कनेक्शन करते हैं। स्विच नंबर 1 का कनेक्शन हो गया है, स्विच नंबर 2 का कनेक्शन करते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया है। अब स्विच नंबर 3 का कनेक्शन हम कर रहे हैं। अब जैसा डायग्राम हमने बनाया था ऐसा ही हमने प्रैक्टिकल में भी बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। चलो अब इसको चेक करते हैं। अब हम इस बोर्ड को चेक करने जा रहे हैं कि हमारा बोर्ड काम करता है कि नहीं, जैसा हमने डायग्राम में बनाया था वैसे ही ये काम करता है या नहीं। चलो इसको चेक करते हैं। इसको इस 2 लैंप और 1 मोबाइल चार्जर के साथ इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने ये 3 लोड, 1 चार्जर, मोबाइल चार्जर, 1 छोटा लैंप, 1 उससे थोड़ा बड़ा लैंप हमने लगाया है सॉकेटों में। अब हम स्विच नंबर 1 को ऑन करते हैं। स्विच नंबर 1 के जो सॉकेट है उसमें हमने मोबाइल का चार्जर लगाया है। चलो इसको चेक करते हैं। मोबाइल का चार्जिंग ऑन हो गया है, इसको वापस ऑफ कर देते हैं, ये हो गया। अब स्विच नंबर 2 को ऑन करते हैं।
ये छोटा लैंप ऑन हो गया, वापस हमने ऑफ कर दिया। अब स्विच नंबर 3 को ऑन करते हैं, बड़ा लैंप जिस सॉकेट में लगाया है उसका कनेक्शन स्विच नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया है हमने, ये ऑन हो गया। और चलो अब इसको ऑफ कर देते हैं। थैंक यू।